गुड मॉर्निंग रोहित बेटा, आवाज आ रही है? रोहित आवाज आ रही है? हेलो हेलो। हाँ बेटा, आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज सर। आ रही है बेटा? सर आवाज थोड़ा क्लियर नहीं है आपकी। यस अच्छा, आवाज आ रही सर, आवाज आ रही है। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम लोग एग्जाम भी खत्म नहीं हुआ? हो गया सर, वो लिंक में कंफ्यूजन है थोड़ा। हाँ हम कह रहे हैं क्विज नहीं खत्म हुई अभी। सर, हो गई, क्विज तो खत्म हो गई है, लिंक में कंफ्यूजन है सर। आपने डेट नहीं डाली ना सही से। अरे यार, जो जो भैया देखो, जो आज का टाइम है तो आज तो होना ही होना है, तो सबसे कह दो अपने वाले ग्रुप में, यस सर, क्योंकि सर बोल दिया, भेज दिया लिंक। कल के दिन हम लोग जो है दो क्लास करेंगे, चौथा आपका जो है खाली रहता है ना कल, तो हम शुरू करें फिर बेटा, जिससे कि अपना काम शुरू होता रहे, जितने लोग नहीं आएंगे। अरे प्रेम, आप आए हैं? प्रेम जी, बेटा प्रेम, तुमने यस अपना ट्यूट वन जमा नहीं किया ना आखिर? सर, नहीं, क्यों नहीं किया? नो सर, नहीं किया अरे भाई क्यों नहीं किया? सर, उतना दिन से क्लास नहीं कर पाया था सर, कुछ प्रॉब्लम अरे तो यार, हो गया सर। काम तो कंप्लीट करके जमा करना चाहिए। अब बताओ, पहले तुम्हारे मार्क्स कम हो जाएंगे, फायदा क्या होगा? चलो, हम लोग वर्ड्स के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने कहा कि जो हम लोग की लैंग्वेज होती है सर उसका, हाँ बताइए बताइए बेटा बताइए। सर, 2 मिनट रुक जाइए, बस 2 मिनट सर। सर ट्यूटोरियल 3 नहीं सबमिट हो रहा था, एरर शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है यार? तो मुझे स्नैपशॉट भेज देना, ठीक है? जो एरर शो कर रहा होगा वो मुझे स्नैपशॉट एरर भेज शो कर रहा देना, था तो मैंने फिर प्राइवेट कमेंट्स में लिंक भेज दिया है सर। ठीक है? नहीं, वैसे मुझे स्नैपशॉट भेज देना, मैंने यस ग्रुप सर, तो बना ही भेजा है, लिया है, ग्रुप पे भेजा है। ठीक है? मैं देख लूंगा अभी, ठीक है? तो फिलहाल हम लोग ये बात कर रहे थे कि लैंग्वेज में ऐसा क्या बड़ा है जो बाकी सबकी प्रोसेसिंग हो जाती है और लैंग्वेज में काफी दिक्कत होती है, यही तो हम लोग बात कर रहे थे। तो हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना शुरू किया था कि नहीं किया था, कि जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो क्या क्या हैं। जैसे हम लोगों ने बात की थी कि एम्बिक्विटी, यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी कहीं पे मीनिंग कुछ और होती है और कहीं पे मीनिंग कुछ और होती है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? आपको एग्जाम्पल भी लिए थे कि अगर हम ये क्लियर ना हो कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो उन शब्दों का सही तरीके से मतलब नहीं निकाल पाएंगे, यही था ना? जैसे हमने एक यस एग्जांपल सर, दिया था
कि रवि वेंट टू द सुपरमार्केट, ही फाउंड हिज फेवरेट ब्रांड ऑफ कॉफी इन द रैक 5, ही पेड फॉर इट एंड लेफ्ट। अब इसने पैसा किसके लिए दिया, कॉफी के लिए दिया, सुपरमार्केट के लिए दिया, या जो है रैक के लिए दिया? तो अगर हमारा दिमाग हम लगाते हैं, हम इसके पीछे एक्स्ट्रा थिंकिंग लगाते हैं और बताते हैं कि भाई पैसा इसने कॉफी के लिए दिया, ऐसे ही तो होता है। अब जब कंजंक्शन यूज करते हैं, कंजंक्शन क्या करते हैं, दो अलग अलग सेंटेंस को आपस में मैच कराने के लिए यूज किया जाता है, ऐसे ही तो होता है कि आपस में जोड़ दिया जाए। तो जैसे कि अगर मैंने कहा राम एंड श्याम वेंट टू ए रेस्टोरेंट, भाई दो लोग थे वो रेस्टोरेंट गए, राम वाइल राम हैड अ कप ऑफ कॉफी एंड श्याम हैड ए टी, तो जो हैड ए कप ऑफ कहां गया, खाली हैड लिखा है ना, तो श्याम ने टी कहां पे हैड की, कैसे हैड की, टी कैसे पी, भाई कप में ही तो पी होगी। क्लियर है ना बेटा मेरी बात? लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने हैड को खा लिया। ये लैंग्वेज के रूल्स हैं, ये रूल्स हैं कि नहीं है बेटा, ये लैंग्वेज के रूल्स हैं कि नहीं है? हेलो, यस सर। लेकिन जो मशीन होती है, जो मशीन होती है सर, जो मशीन होती है वो तो रूल्स के हिसाब से चलेगी, वो तो अपने हिसाब से अपना दिमाग तो लगाएगी नहीं, तो वहां पे ये सब दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। क्लियर है बेटा मेरी बात? क्लियर है बेटा ये वाली बात? यस सर, यस सर। अब एक और प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम बड़े ध्यान से समझना, इसको कहते हैं एलिप्सिस। एलिप्सिस ये प्रॉब्लम है जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एनएलपी पे, जिसको मैनेज करना काफी डिफिकल्ट है। अब जैसे इसमें कोई स्टेट एक्सप्लिसिटली नहीं बताया जाता है, कुछ वर्ड बोले जाते हैं और ऑडियंस के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि वो उसका मतलब खुद ब खुद समझ ले। जैसे कि एग्जांपल है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिवर गंगा ऑफ रिवर कावेरी, ये सेंटेंस आपने समझा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिवर गंगा ऑफ रिवर कावेरी, इसमें देखिए हमने क्या कहा है कि हम लेंथ निकालना चाहते हैं रिवर गंगा का इन कंपैरिजन टू रिवर कावेरी, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? लेकिन हमने इन कंपैरिजन नहीं कहा है, यानी जैसा जिसका दिमाग होगा वैसे ही वो उसको कन्वर्ट कर लेगा। क्लियर है मेरी बात बेटा? यस सर। तो ये प्रॉब्लम कहलाती है एलिप्सिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे दो नंबरों में पूछा जा सकता है व्हाट इज एलिप्सिस। तो एलिप्सिस इज अ मेजर प्रॉब्लम इन एनएलपी वेयर द मीनिंग ऑफ सम वर्ड्स आर लेफ्ट टू द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड एंड टू फिल इट अप। क्लियर है? अब अगर आप यहां पे एक फ्लो चार्ट देखिए, तो ये फ्लो चार्ट आपका बताएगा कि एनएलपी का प्रोसेस क्या है, मतलब एनएलपी में हम किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, हम शुरुआत करते हैं स्टार्ट, फिर कोई सेंटेंस जो होता है उसको एक्सेप्ट करते हैं, फिर हर एक शब्दों को स्कैन करते हैं, स्कैन का मतलब क्या, रिकग्नाइज करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि ये क्या शब्द है, और फिर क्या करते हैं, फिर उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अगर वो शब्द
हमारी डिक्शनरी में प्रेजेंट होता है, तो हम देखते हैं क्या उसकी मीनिंग मोर देन वन है। अगर है तो प्रायोरिटाइज करते हैं, अगर नहीं है तो उसका जो सूटेबल रिप्लाई है वो हम यूजर को दे देते हैं। और अगर वो शब्द हमारे शब्दकोश में है ही नहीं, वो हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं, तो हम नॉन कमिटल रिप्लाई कर देते हैं कि दिस वर्ड आई कांट अंडरस्टैंड दिस मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, आई डजेंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। इस तरीके से करके हम उसकी मीनिंग को निगेशिएट करके बताते हैं कि हम इसकी मीनिंग को नहीं समझते हैं। क्लियर है? क्लियर है बेटा ये बात? यस सर। तो ये पूरा प्रोसेस है कि सबसे पहले सेंटेंस गिवन होगा, फिर आप सेंटेंस को स्कैन करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे ये सेंटेंस किस लैंग्वेज में दिया गया है, और फिर उसके शब्दों को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद आप देखेंगे वो शब्द आपके आइडेंटिफिकेशन रिपोजिटरी में, जहां आइडेंटिफाइड वर्ड्स आपने स्टोर कर रखे हैं, वहां वो शब्द है या वो शब्द नहीं है। क्लियर है मेरी बात? तो ये पूरा प्रोसेस होता है, इसको समझ भी लेते हैं। अभी तो आपने एक डायग्राम समझा है, अब अगर हिस्ट्री देखें तो 1940 से आपकी हिस्ट्री शुरू हुई है, 1950 पे सबसे पहले फाउंडेशन शुरू हुआ था, और अगर देखें तो डेवलपमेंट ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज थ्योरी, जिसे FL कहते हैं, फॉर्मल लैंग्वेज। फॉर्मल लैंग्वेज का मतलब क्या कि लैंग्वेज का जो फॉर्मुलेशन है वो किस बेस पे है, तो उसको चोमस्की, बैक्सप, नॉर और कैलिनी ने डेवलप किया था। उसके बाद अगर आप देखिए तो कुछ शब्दों की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, कुछ शब्दों की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, होती है कि नहीं होती है? जैसे हम इज द आ देयर ऑफ, ये सब वर्ड ज्यादा यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? भाई इनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हुई बेटा, तो ये आपका क्लेनर एंड शेनन ने ये यस सर फीचर प्रोवाइड किया था 1957 और 1970 में। हम लोगों ने ग्रामर का यूज करना शुरू किया, और लॉजिक और लॉजिक बेस्ड प्रोग्रामिंग आपकी मिंस्की, मिनोवर्ड और कॉलमियर और के ने 1970 के समय डेवलप की। 1970 से 1983 के बीच में, 13 साल के बीच में, हम लोगों ने अर्ली स्पीच रिकग्निशन का काम शुरू किया, फिर डिस्कोर्स मॉडलिंग की। डिस्कोर्स मॉडलिंग का मतलब क्या है कि एक बहुत बड़ा शब्द है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया, फिर छोटे छोटे हिस्सों को और फर्दर छोटे हिस्सों में डिवाइड किया, फिर सबकी अलग अलग मीनिंग्स को लेके हमने उसका एक सलूशन क्रिएट किया। क्लियर है ना? आप जब छोटे थे तो आप देखो दो शब्दों से मिलके एक शब्द बनाते थे, और उनकी मीनिंग को भी कैलकुलेट करने की कोशिश करते थे, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते थे कि नहीं करते थे? उसके बाद yes, sir. उसके बाद आपने मॉर्फोलॉजी का यूज किया, जो कैलप्लान और के ने शुरू किया था, जिसमें आप फाइनाइट स्टेट मॉडल का यूज करते थे। इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ? जिसकी कोई लिमिट ना हो। फाइनाइट का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा मॉडल जिसकी एक लिमिट थी, जो लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स को ही आइडेंटिफाई कर सकता था। अब 1993 से आज तक के हम लोग स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन डिफरेंट ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट एरिया का यूज कर रहे हैं, जिससे कि हम शब्दों को आसानी से समझ सकें। क्लियर है बेटा मेरी बात? तो एक छोटी सी हिस्ट्री है ये। अब इसमें कुछ टर्म्स यूज होते हैं, जैसे स्पीच सिंथेसिस। स्पीच सिंथेसिस क्या है? स्पीच सिंथेसिस इज द कंप्यूटर जनरेटेड सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन स्पीच। जैसे हम बोलते हैं, इसको अगर हम सिमुलेट कराएं,
यानी इसका हम एग्जाम्पल कंप्यूटर से इसको जो है बुलवाए तो उसको हम क्या करेंगे कि हम स्पीच सिंथेसाइजर्स का काम कर रहे हैं। इट इज यूज्ड टू ट्रांसलेट द रिटन इंफॉर्मेशन इनटू ओरल इंफॉर्मेशन, यानी जो रिटन टेक्स्ट है उसको ऑडियो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग स्पीच सिंथेसाइजर्स का यूज करते हैं। क्लियर है बेटा मेरी बात? ये क्लियर है बेटा बात? बेटा स्पीच सिंथेसाइजर्स क्लियर हो गए? यस सर। जैसे हमने आपको एग्जांपल बताया था कि हमारी अगर पीडीएफ की पीडीएफ हो तो पीडीएफ को अगर हम लर्न करना चाहें, हम सुनना चाहें तो उसमें एक ऑप्शन होता है, तो वो ऑप्शन क्या है, एक एप्लीकेशन है स्पीच सिंथेसाइजर्स की। क्लियर है मेरी बात? इट इज यूज्ड टू असेस द vision impaired so that for example the content of the display screen can be automatically read aloud to a blind user. अब जो blind user होते हैं वो देख नहीं सकते, लेकिन अगर हम पढ़ बोल बोल के उनसे बात करें तो वो सही समझ भी लेंगे और जवाब भी दे देंगे। जैसे आप कभी मेट्रो पे बैठे, मेट्रो पे देखिए आता है कि अगला स्टेशन आपका लखनऊ विश्वविद्यालय होगा। यस सर। तो वो बोलता क्यों है ये बताओ? हजरतगंज है। जिससे कि अगर मान लीजिए किसी को नहीं दिखता है, कोई देख नहीं सकता है, तो उसको भी समझ में आ जाए कि हमारा स्टेशन, हमारा स्टॉप आ रहा है या हमारा स्टॉप अभी दूर है। ठीक है बेटा? So this is one of the terminology which is used in NLP. Yes, sir. Speech recognition. अब जो speech recognition है ये क्या है? जो शब्द हम बोलते हैं, इन शब्दों को text में convert करना। ये सबसे ज़्यादा difficult task है, क्योंकि हर आदमी की भाषा, बोली ये सब अलग अलग होती है कि नहीं होती है। किसी ने कोई शब्दावली का इस्तेमाल किया तो उसको कन्वर्ट करना, इन कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्पीच रिकग्निशन इज द ट्रांसलेशन ऑफ स्पोकन वर्ड इनटू द टेक्स्ट, इट इज आल्सो नोन एज ASR and computer speech recognition or just speech to test, कि हम बोल कर डिक्टेशन टाइप करवा दें, कि हम बोले और जो है मैटर टाइप होता जाए, तो ये आपका क्या होगा, स्पीच सिंथेसिस होगी कि स्पीच रिकग्निशन होगी? जैसे आप लोग टेक्स्ट लिखते हैं आजकल, आपने देखा होगा लोग हिंदी में बहुत व्हाट्सएप पे टाइप वाइप कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं? तो आपको क्या लगता है उनकी हिंदी टाइपिंग, सर, क्या आपको लगता है उनकी हिंदी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी है? वो तो बोल देते हैं कि आशुतोष जी को जो है जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, ऐसे ही तो होता है। भाई व्हाट्सएप में एक प्लगइन इंस्टॉल कर लो, जो बोलोगे वो टाइप हो जाएगा। जैसे हम कहें रेहान आप लोगों को एक मैसेज भेज दे कि रेहान कल सब आप लोगों को पार्टी देंगे, तो हिंदी में सब आदमियों समझ में आ जाएगा। यस सर, पार्टी देगा। अरे आप जबरदस्ती ना सर, ये तो इंग्लिश में भी आ जाए जरूर। नहीं तो जैसे मान लो किसी को अंग्रेजी नहीं समझ में आती, वो पार्टी नहीं ले पाएगा। पार्टी देना पड़ेगा सर, मैसेज भेजा है। अच्छा ठीक है, वो तुम लोग की अपनी बात है। पार्टी तो बनती है सर रेहान की। हाँ
तो तुम लोग की अपनी बात है बेटा, कोई ऐसी बात नहीं। नहीं सर, आपको भी इनविटेशन है भाई, रेहान अगर देना चाहे सबको दे सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। रेहान रेहान को के ऊपर निर्भर करता है। आवाज बहुत कट रही है सर। रेहान तो नहीं कह रहे थे कट रही है? सर आवाज कट रही है। क्या रे सर है, क्या क्या हुआ? कट, सर कट कट के आवाज आ रही है। अच्छा, समझ नहीं आ रहा सर क्या कह रहे हैं। अब देखो समझ में आएगा, अब आ रहा है समझ में बेटा? आप समझ में आ रहा है? आवाज फर्स्ट नहीं आ रही है आपकी, फिर कट गई। अब जो बात हम करने जा रहे हैं वो नेचुरल लैंग्वेज हाँ, अब आवाज आ रही है बेटा सबको सही से? अब आ रही है बेटा आवाज? कट रही है सर, अभी भी कट रही है। हल्की कट रही है, ज्यादा कट रही है? हल्की सर, ज्यादा कट रही है सर। चलो मैं फिर से कोशिश करता हूँ, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक बोलता रहूंगा, ठीक है? जैसे नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग जो है ये एक सब टॉपिक है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का, है भाई? हम बात कर रहे हैं नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग का। अब नेचुरल लैंग्वेज हम लोगों की क्या होती है बताओ? नेचुरल लैंग्वेज क्या होती है सर? जिस लैंग्वेज हम लोग बात करते समझते हैं। हाँ, वो लोगों, वो पीपल टू पीपल वैरी करती कि नहीं करती है? बेटा वो पीपल टू पीपल वैरी करेगी, करेगी कि नहीं करेगी? सर आपकी आवाज नहीं आई बिल्कुल। अरे अब आ रही है, अब आ रही है बेटा आवाज? यस सर। तो जो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग जो है ये एक सब टॉपिक है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का, इतना क्लियर है? जो हम एआई में यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मशीन रीडिंग, क्लियर है बेटा इतनी बात? यस सर। अब इसमें होता क्या है कि हम पहले जो लैंग्वेज आदमी बोलता है, जो सेंटेंस बोलता है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? पहले हम उन शब्दों को डिसअसेंबल करते हैं, यानी हमने सबसे पहले पूरे सेंटेंस में से वर्ड्स को अलग कर लिया, एंड देन वी स्टार्ट द पार्सिंग ऑफ इनपुट इन मोर कॉम्प्लेक्स देन द रिवर्स प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग द आउटपुट इन नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन बिकॉज ऑफ द अकरेंस ऑफ अननोन एंड अनएक्सपेक्टेड फीचर इन द इनपुट एंड द नीड टू डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट सिंटैक्टिक एंड सिमेंटिक स्कीम टू अप्लाई इट। अब अगर कोई बी यू टी बट को बट बोल रहा है तो बट की वजह से स्पेलिंग क्या होती है? बी ए टी होती है। हेलो बेटा आवाज आ रही है?
यस सर, मैं कह रहा हूं कि अगर हम बट की स्पेलिंग देखें तो बट की स्पेलिंग क्या होती है, बट की या किसी भी चीज की, जैसे केमिस्ट्री कहते हैं, केमिस्ट्री की वैसे स्पेलिंग क्या होती है? सर आवाज कट रही है आपकी। मैं कह रहा हूं केमिस्ट्री की स्पेलिंग क्या होती है, केमिस्ट्री की स्पेलिंग क्या होती है बेटा? ये तो आपने जो लिखी आती वो सर मैंने पहले बोला। हाँ हाँ, लेकिन वैसे केमिस्ट्री में तो के आना चाहिए, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? भाई केमिस्ट्री में के आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो यही चीज एक प्रॉब्लमेटिक चीज है कि नहीं है? बिल्कुल सर, लॉजिकल एकदम आना चाहिए। भाई अगर आप प्रोग्रामिंग प्रोग्राम करेंगे तो प्रोग्राम तो हमेशा लॉजिक पर बेस होता है, और यहाँ तो कोई लॉजिक ही नहीं है। क्योंकि इंग्लिश को रिदमिक लैंग्वेज भी कहा जाता है, रिदम के साथ चलती है। अब अगर आप देखिए तो एनएलपी के ये स्टेप है। सबसे पहला स्टेप होता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी करने के बाद हम लोग सिंटैक्स को क्लियर करते हैं, सिंटैक्स समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मॉर्फोलॉजी, उसके बाद सिंटैक्स, सिंटैक्स के बाद हम लोग सिमेंटिक पे बात करते हैं। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? लिखने के रूल्स। सिमेंटिक का मतलब होता है लिखने के मीनिंग। और प्रैग्मेटिक का मतलब ये होता है कि हर एक शब्दों का जहां पे आपने इस्तेमाल किया है वहां उसका मतलब क्या है। जैसे हम लिख रहे हैं दिस पेन बिलोंग इज ऑफ, दिस पेन इज ऑफ एबीसी, या प्लीज पुट ऑफ द लाइट। अब दोनों में ओ एफ ऑफ ही यूज हो रहा है ना, पर एक में कैसा ऑफ यूज हो रहा है? ओ एफ, और एक में कैसा यूज हो रहा है? ओ डबल एफ। अंतर समझ में आ रहा है आपको इसमें? भाई अंतर समझ में आ रहा है? क्लियर है बेटा मेरी बात? आ रहा है सर, आ रहा। तो ये अलग अलग जो है स्टेप्स होते हैं। अभी इन स्टेप्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हर स्टेप का मतलब क्या होता है, ठीक है? जितना डिटेल में इसको पढ़ेंगे उतना हमको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। और आज एक सरप्राइज आपकी शेड्यूल होगी, जब मर्जी हो तब दे दीजिएगा, ठीक है? ठीक है भैया, मैं कह रहा हूँ आज एक सरप्राइज शेड्यूल होगी, जब मर्जी हो तब दे देना, ठीक है? सर कब से? आपके भोजन काल के दौरान। भाई हम में से कोई भीम तो है नहीं? सर टाइम बता दीजिए, तब खाते। अरे आप 12:45 से खाना खाते ना, 12:50 से आपके खाने का समय क्या क्या बजे होता है? 12:50 से होता है ना बेटा? यस सर, यस सर, 12:45। हाँ तो 12, हम 1 से 1:30 के बीच में देंगे आपको,
ठीक है, एक से डेढ़ के बीच में। हाँ, पांच सवाल होंगे यार, दो मिनट का काम है। सर अभी ले लीजिए क्लास वर होने के बाद। अरे क्लास होने के बाद लेने के बाद दूसरा क्लास शुरू हो जाएगा ना, आज तुम क्या सोचते हो मैं तुमको अभी जो है जल्दी छोड़ दूंगा। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। हाँ इसीलिए मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, ये आवाज मेरी कट कट के आ रही है ना, तो जो डिफरेंस हुआ ना, जो गैप हुआ है, जब भोजन खाने स्टार्ट हुआ तभी ले लीजिएगा। हाँ ठीक है, दूसरा क्लास नहीं सर, कल है दूसरा क्लास, आज नहीं है दूसरा क्लास, कल दूसरा क्लास होगा। ठीक है बेटा, तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो ये डायग्राम समझ में आ गया, सबसे पहले मॉर्फोलॉजी, फिर सिंटैक्टिकल, फिर सिमेंटिकल, फिर प्रैग्मेटिक और फिर डिस्कोर्स। क्लियर है? हाँ, ये स्टेप्स हैं कि जब आप नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करोगे तो ये सारे स्टेप आपको यूज करने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप एनएलपी का जो होता है वो होता है मॉर्फोलॉजी, और उसके बाद आएगा सिंटैक्टिकल, फिर सिमेंटिकल आएगा, फिर प्रैग्मेटिक आएगा, और फिर डिस्कोर्स आएगा। अब ये सब होता क्या है ये मैं बताने जा रहा हूं। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है दैट कंसर्न्ड अ वे वर्ड आर बिल्ड अप फ्रॉम स्मॉलर मीनिंग बियरिंग यूनिट्स। जैसे कम है, कम को कैसे बनाया गया है? भाई कम को कैसे बनाया गया है कि पहले सीओ लिया गया, फिर एम ई लिया गया, फिर एस लिया गया, को एम्स कम्स हुआ ना। जैसे आप लोग कोई भी स्पेलिंग लिखते हैं या समझते हैं तो उसको पहले छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं? या पूरा बड़ा सा आप जो है डेफिनेशन स्पेलिंग को याद कर लेते हैं, कैसे करते हैं बताइए? है बेटा, हेलो आवाज आ रही है? हेलो सर। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब यह है कि एक बड़े वर्ड को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना। इतना समझ में आई बात? क्या आ रही है? क्लियर नहीं आ रही है। हम कह रहे हैं मॉर्फोलॉजी का मतलब ये होता है किसी बड़े शब्द को छोटे हिस्सों में डिवाइड करके उसकी मीनिंग निकालना। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, अब अगली चीज आती है सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब लिखने का तरीका। सिंटैक्स का मतलब क्या हो गया? लिखने का तरीका। जो शब्द लिखा गया है क्या वो प्रस्तावित तरीके के हिसाब से लिखा गया है या नहीं लिखा गया? ठीक है, बात समझ में आई आपको? जो शब्द लिखा गया है क्या वो प्रस्तावित तरीके से लिखा गया है या नहीं लिखा गया है? समझ में आई बात आपको? सिमेंटिक का मतलब यह है कि जो वर्ड हमने इस्तेमाल किया उसकी मीनिंग अगर सेंटेंस में कंबाइंड की जाए तो सेंटेंस की मीनिंग सही बनेगी कि नहीं बनेगी। जो शब्द हमने इस्तेमाल किया उसमें सेंटेंस की मीनिंग सही बनेगी या सही नहीं बनेगी, इसको चेक करने के लिए हम लोग सीमेंटिक का यूज करते हैं। क्लियर है? क्लियर है बेटा? और उसके बाद आता है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है कि अलग अलग सेंटेंस को
अलग अलग सिचुएशन में कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है और उसकी मीनिंग पे इफेक्ट क्या पड़ रहा है। क्लियर है मेरी बात? यस सर। और डिस्कोर्स का मतलब ये होता है कि सेंटेंस में जो वर्ड यूज होते हैं उन, या सेंटेंस कई सारे सेंटेंस यूज होते हैं तो उसमें आगे और पीछे के सेंटेंस की वजह से बीच के सेंटेंस की मीनिंग बदल जाती है। ऐसा होता ही नहीं होता है। जैसे अगर ये कहा गया मदर वॉज एंग्री एंड व्हेन यू आस्क हर टू गो फॉर अ पार्टी शी से यस गो, इसका मतलब पहले क्या है, मदर आपसे एंग्री थी और आपने पार्टी के लिए ये बोला पूछा उसने तो मदर ने कहा यस, तो इसका मतलब आपको उसने परमिशन दी कि उसने आपको जो है एक सिंबल दिया है कि जाओ बेटा लौट के आना तो बताऊंगा तुमको। तो इस तरीके से कभी कभी मीनिंग चेंज हो जाती है ना जो हम बोल रहे होते हैं शब्दों की। क्लियर है बेटा मेरी बात? यस सर। तो डिस्कोर्स का मतलब यही हुआ कि टोटल जो है हमारी मीनिंग क्या होगी। तो अगर नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन का मतलब बताएं तो सबसे पहले मीनिंग रिप्रेजेंटेशन होता है, फिर अटरेंस प्लानिंग होती है कि हम उसको किस तरीके से बोलेंगे अटर करेंगे, और उसके बाद उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस, फिर सेंटेंस की प्लानिंग और लेक्सिकल चॉइसेस, एक सिचुएशन को कई शब्दों में बयान किया जा सकता है। कई शब्द होते हैं तो कौन सा शब्द वहां पे यूज करना है। इसके अलावा सेंटेंस जनरेशन की जो हमने सेंटेंस बनाया है उसको अगर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके देखें तो उसकी मीनिंग सही आ रही है, और उसके बाद उसका जनरेशन, उन शब्दों का जनरेशन जिससे कि हम मीनिंग जो है रिप्रेजेंट कर सके, लोगों को आराम से मीनिंग समझ पाए। क्लियर है बेटा बात? इतना क्लियर है? बेटा ये चीज समझ में आई? बेटा ये चीज समझ में आ? हाँ बेटा, इतनी बात आपको समझ में आई? हेलो, यस सर। तो सबसे पहले अगर फिर से देखें तो सबसे पहले रॉ स्पीच सिग्नल्स जो प्रोसेस होता है स्पीच रिकग्निशन का कि आप क्या बोल रहे हैं, उसके बाद जो आपने सीक्वेंस ऑफ वर्ड बोले हैं उनको सिंटैक्टिकल एनालिसिस करना कि उनकी ग्रामर कैसी है,
हाँ भाई, तो स्पीच रिकग्निशन का मतलब ये होता है कि आपने जो बोला है उसको समझना, फिर सिंटैक्टिकल एनालिसिस करना कि जो आपने बोला है वो अकॉर्डिंग टू ग्रामर सही है कि नहीं सही है। क्लियर है बेटा? इतना क्लियर है बेटा? इतना क्लियर है बेटा? उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस को समझना, जिसमें सिमेंटिक एनालिसिस होती है कि जहां पे आपने जो शब्द यूज किए हैं उसकी मीनिंग वहां पर एप्रोप्रिएट है या नहीं। फिर प्रैग्मेटिक एनालिसिस करना कि जो आप कॉन्टेक्स्ट बताना चाहते हैं, क्या वहां लिखे हुए टेक्स्ट उस कॉन्टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है बेटा आपकी बात? यस सर। तो इसके आगे का अगले क्लास में करेंगे, ठीक है? कल 9 बजे और उसके बाद कल 12 बजे। ठीक है? क्विज नहीं होगा क्या अभी? अभी नहीं लूंगा, 12 बजे। 12 बजे वो एक बजे बेटा, 1 बजे सर। 12 बजे मैथ की क्लास होती है। अरे 1 बजे प्रभु, 12 बजे जब खत्म हो जाएगा 1 बजे से। बजे सर आपकी है? अभी ले लीजिए कुछ सर, सही है। क्लास नहीं है ना सर इसके बाद? इसके बाद क्लास नहीं है। किसकी क्लास नहीं है? आज कंप्यूटर की है ना इसके बाद? बेसिक इलेक्ट्रिकल की है। इलेक्ट्रिकल की है। ठीक ठीक ठीक, रहने दो। अरे 1 बजे के आसपास दूंगा। हेलो बेटा, 1 बजे के आसपास लूंगा। एक आप उस समय लंच के आसपास होते हैं, 5 मिनट का टाइम निकालिएगा, 5 सवाल होंगे, ठीक है? ठीक है बेटा। सरप्राइज क्विज कब होगी सर? क्विज कितने बजे आए? 1:10 पे। ठीक है? अरे तो 5 मिनट का टाइम निकालना है, 5 मिनट में कितना खाना खा जाओगे? ओके सर। ओके, थैंक यू।